मिनरल रिसोर्सेस, नेशनल पार्क, लॉक गेट, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग और काफी बड़े लेवल पर रोजगार मुहैया कराने के लिए पूरे दुनिया भर में अपना एक अलग ही पहचान बना रखा है। दुनिया का शायद ही ऐसा कंट्री होगा जो भावनगर के नाम से रूबरू ना हो, और इसका इकलौता कारण है यहाँ का काफी लंबे समय से चला आने वाला शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जिसने इस शहर को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज के डेट में यह शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इस शहर की बैकबोन है। भावनगर ही वह सिटी है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शिप, जिसका नाम सीवाई जैन था, जिसे साल 2009 में भावनगर की अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में काटने के लिए लाया गया था। भावनगर 1947 में इंडिया की आजादी के बाद गुजरात राज्य के हिस्से के रूप में भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासतों में से एक थी, जिस पर गोहिल राजवंश के शासकों में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर के वह अंतिम शासक थे जिन्होंने इस रियासत को इंडियन यूनियन में मर्ज्ड होने से पहले तक इस पर अपना हुकूमत चलाया था। भावनगर रियासत को बसाने का श्रेय गोहिल राजवंश के शासक भाव सिंह जी को जाता है, जिन्होंने सन 1723 में सीहोर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर बड़वा गांव के पास एक नई राजधानी की स्थापना की थी और खुद के नाम पर ही इसका नाम भावनगर रखा। इस शहर को समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए इसे गल्फ ऑफ खंभात के किनारे बसाया गया था, और उस दौरान यह शहर समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह बना रहा, जहां पर साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अरेबिया और पोर्ट ऑफ रेड सी के साथ काफी बड़े लेवल पर व्यापारिक वस्तुओं का ट्रेडिंग किया जाता था, जिसके कारण इस रियासत में पैसों का काफी इन्फ्लोज होने लगा और देखते ही देखते भावनगर एक काफी इंपॉर्टेंट शहर बन गया। भावनगर की कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन्हेंस्ड होने की मेन वजह थी कि यह रियासत गल्फ ऑफ कॉम्बे और अरेबियन सी के नजदीक थी। कहा जाता है कि भावनगर का विकास उस टाइम में सबसे ज्यादा हुआ जब इस रियासत पे महाराजा रावल तख्त सिंह जी हुकूमत किया करते थे, क्योंकि इनके ही शासनकाल में यहाँ रेलवे सिस्टम का निर्माण किया गया था। दरअसल भावनगर उस टाइम पर पहला ऐसा स्टेट था जिसने केंद्र सरकार की सहायता के बिना अपना खुद का रेलवे सिस्टम डेवलप्ड किया था, और इसी रेलवे सिस्टम की वजह से भावनगर की कमर्शियल सेक्टर, बिजनेस ट्रेडिंग और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। तख्त सिंह जी के शासनकाल में ही भावनगर को और ज़्यादा डेवलप्ड और मॉडर्नाइज्ड करने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, जैसे एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ट्रंक रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, पोर्ट हार्बर मॉडर्नाइजेशंस और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जैसे और भी कई पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स पर काम किए गए थे। इसलिए ही तख्त सिंह जी के शासनकाल को एक मॉडल राज्य के मॉडल शासक के नाम से जाना जाता है। भावनगर पर लंबे समय तक गोहिल राजपूत राजाओं का शासन रहा, इसलिए यहाँ राजपूत संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, और इसी वजह से भावनगर को भवेना नगरी और गोहिलवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। भावनगर पश्चिमी इंडिया की गुजरात राज्य के काठियावाड़ और सौराष्ट्र रीजन में स्थित है, जिसकी लैंड बॉर्डर उत्तर पूर्व में अहमदाबाद, उत्तर पश्चिम में बोटाद, पूर्व दक्षिण में खंभात की खाड़ी और पश्चिम में अमरेली जिले से लगती है, जो कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के बाद पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटी है। भावनगर गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर से तकरीबन 195 किलोमीटर, दिल्ली से 1100 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 620 किलोमीटर के दूरी पर बसा एक ऐसा सिटी है जिसे बिजनेस टाउन, पोर्ट सिटी, गंठिया हब, तालाबों और मंदिरों का घर, संस्कृति नगरी और सिटी ऑफ गार्डन जैसे नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई गई है, तो चलिए दोस्तों आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट भावनगर के बारे में। नंबर वन, भावनगर की मीठी वृद्धि में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाना था, जिसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी 6000 मेगावाट से लेकर 6500 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता थी, लेकिन अफसोस कि अब इस पावर प्लांट को यहां पर नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि अब इस पावर प्लांट को भावनगर से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा सिटी में लगाया जा रहा है।
इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को भावनगर में नहीं लगाने के पीछे कुछ मुख्य कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण शायद आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि साल 2011 में जापान कंट्री में एक भयंकर सुनामी आई थी, जिसके वजह से समुद्र के किनारे जापान की फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को काफी भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण खतरनाक रेडियो एक्टिविटी वहां की हवा, मिट्टी और समुद्र में काफी बुरी तरह से फैल चुकी थी। और इस फैले हुए खतरनाक रेडियो एक्टिविटी के वजह से उस एरिया के लगभग 50,000 से भी अधिक घरों को वहां से हटाकर किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया था। और साथ ही जिन एरिया में यह रेडियो एक्टिविटी फैला हुआ था वहां पर सब्जी और मछलियों की शिपमेंट पर कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया गया था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया की इस पावर प्लांट को समुद्र किनारे स्टेब्लिश किए जाने पर भावनगर के स्थानीय यानी वहां के लोकल लोगों की ओर से जमकर विरोध किया गया था। और दूसरा कारण था यहाँ के लोकल विलेजर्स के द्वारा इन्वायरमेंटल इशू और सेफ्टी कंसर्न्स को भी लेकर काफी विरोध किया गया था। और शायद इस मैटर को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कुछ केसेस भी फाइल किए गए थे। और तीसरा कारण लोगों के द्वारा विरोध किए जाने के चलते इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन में काफी डिले हो जाना। लैंड एक्विजिशन का मतलब यह होता है कि किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जमीन का अधिग्रहण यानी जमीन को कैप्चर करना। हालांकि गवर्नमेंट इस जमीन के बदले कुछ कॉम्पनसेशन भी मुहैया कराती है। ध्यान देंगे, इस पावर प्रोजेक्ट की एक और खासियत थी। दरअसल इस पावर प्लांट के सराउंडिंग एरिया में बहुत ज्यादा संख्या में केसर मैंगो की पेड़ लगाया जाना था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केसर मैंगो आम की एक वैरायटी है और यह इंडिया का दूसरा ऐसा आम है जो दूसरे देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अब देखना यह है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया के किस शहर में लगाया जाता है। नंबर टू, गुजरात स्टेट की जितनी भी सिटी कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है यानी कि वह शहर जो समुद्री तट के किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों के पास मिनरल रिसोर्सेज की भंडार है, जैसे जामनगर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, अमरेली, गिर सोमनाथ, आनंद, भरूच एटसेट्रा। और इन्हीं शहरों में से एक शहर भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन, बेंटोनाइट, जिप्सम, व्हाइट क्ले, डोलोमाइट, ब्लैक ट्रैप, लिग्नाइट, सैंडस्टोन, ब्रिक अर्थ और मोल्डिंग सैंड जैसे खनिज पदार्थ काफी ह्यूज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। यही कारण है कि भावनगर में मिनरल रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज और आयरन एंड स्टील जैसी कंपनियां शामिल हैं, जहां पर इन मिनरल रिसोर्सेस को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स एंड मटेरियल्स बनाई जा रही है, जिसे इंडिया की जरूरत को पूरा करने के साथ ही दूसरे देशों में भी काफी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भावनगर में और भी दूसरे कई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स प्लांट, सोडा एश प्लांट और स्टील कास्टिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइजर्स और होम प्लस इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए स्टील प्लेट और इससे रिलेटेड आइटम्स बनाए जा रहे हैं। वैसे भी भावनगर को मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, वुड प्रोडक्ट, ब्रिक्स और टाइल्स के लिए भी खूब जाना जाता है। नंबर थ्री, भावनगर को गुजरात में टॉप 5 नमक उत्पादन करने वाले जिलों में से एक माना जाता है और वह 5 जिले हैं, सुरेंद्रनगर, भावनगर, पोरबंदर, रन ऑफ कच्छ और जामनगर। भावनगर में हर साल लगभग 35,000 टन नमक की उत्पादन की जाती है और यहाँ के बने नमक को जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम और कतर जैसे देशों में हर साल कई हजार टन नमक एक्सपोर्ट किया जाता है। एक वह समय था जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तब इंडिया की नमक की डोमेस्टिक खपत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से नमक को इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के डेट में इंडिया चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद तीसरा सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला कंट्री है और यहाँ के बने नमक अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूं कि विश्व का मोस्ट इम्पोर्टेंट CSMCRI यानी सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में ही स्थित है, जो कि दुनिया का एक जाना माना नमक अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर देश विदेश से डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च इंजीनियर्स अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज के लिए आते हैं। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेन काम यह है कि भारत की समुद्र के किनारे जितने भी बंजर जमीन है, इन सभी जमीनों के साथ साथ इंडिया की सी वाटर, समुद्री सेवाल, सोलर पावर और सिलिकेट्स को किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके
नंबर 4, भावनगर से तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पर स्थित अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड माना जाता है। यहाँ पर कार फेरीज, ओशियन लाइनर्स, कंटेनर शिप्स और लार्ज सुपर टैंकर जैसे जहाजों को काटा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर का लगभग 90% जहाज यही अलंग पोर्ट पर कटने के लिए आते हैं। यहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली और फ्रांस जैसे देशों से शिप कटने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। अलंग में 160 से लेकर 170 के आसपास प्लॉट्स मौजूद हैं, जिनमें हर साल 2000 से भी अधिक जहाजें काटी जाती है। अलंग में जहाज काटने की कारोबार साल 1983 में शुरू हुई थी और आज इस शिप ब्रेकिंग बिजनेस ने तकरीबन 4,50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार दे रखा है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों के मजदूरों का भी रोजी रोटी चल रहा है। जहाज को काटने से पहले कुछ रिक्वायर्ड परमिशन की जरूरत होती है, जैसे शिप कटिंग की परमिशन, पोल्यूशन की परमिशन और सेफ्टी की परमिशन। मतलब सारी परमिशन मिल जाने के बाद जहाज को काटना स्टार्ट किया जाता है। जिस जहाज को काटना, तोड़ना या डिसमेंटलिंग करना होता है तो उस जहाज को सबसे पहले कैश बायर खरीदते हैं, फिर कैश बायर से इस जहाज को प्लॉट ऑनर खरीदते हैं। इसके बाद घोगा में इस जहाज की बोर्डिंग की जाती है, जहां पर कस्टम्स, JMB और JPC जैसे अथॉरिटी मौजूद रहते हैं। वहां पर जहाज की सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओके होने पर जहाज को काटने की परमिशन दे दी जाती है और यहां के बाद इस जहाज को प्लॉट में बीचिंग की जाती है। फिर इसकी ऑयल रिमूवल परमिशन मिलने के बाद जहाज कटना शुरू होता है। जैसे जैसे जहाज कटते रहता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी सामान निकलते रहती है, चाहे वो रेसिडेंट का सामान हो या कोई इंडस्ट्री के लिए सामान हो। यहाँ तक कि इसमें इंजन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इन जहाज़ों में से TV, पंखे और दरवाजे जैसे सामान भी निकलते हैं। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में हर साल लगभग 4,00,000 मैट्रिक टन फर्नीचर्स, स्टील और लोहा निकलता है। जहाज से निकला यह सभी मटेरियल हरियाणा, राजस्थान, MP और साउथ इंडिया में सप्लाई की जाती है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड की 70% लोहा पंजाब की गोविंदगढ़ मंडी में सप्लाई की जाती है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में शिप्स को डिसमेंटलिंग करने के वजह से इन यार्ड में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक वेस्टेज यानी जहरीले कचरों की एक अच्छी खासी भंडार हो गई है, जिसके कारण यहाँ के समुद्री बीच काफी प्रदूषित हो गए हैं। साथ ही इस एरिया की मरीन लाइफ भी काफी बड़े लेवल पर डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। ध्यान देंगे, इंडिया के अलंग के अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में हांगकांग, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, कोरिया और ताइवान जैसे देशों में भी जहाज़ों को काफ़ी बड़े लेवल पर काटा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शिप ब्रेकिंग को शिप डिसमेंटलिंग, शिप क्रैकिंग और शिप रिसाइकिलिंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। नंबर 5, इंडिया में सूरत सिटी के बाद भावनगर दूसरा ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज़्यादा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, मार्केटिंग और डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज के बाद डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री भावनगर की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहां पर हर साल तकरीबन 10,00,000 कैरेट्स के आसपास हीरो की पॉलिशिंग और कटिंग की जाती है। भावनगर की इस डायमंड इंडस्ट्री में 4,000 से लेकर 5,000 तक वैसे यूनिट्स मौजूद हैं जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग बिजनेस में इंगेज हैं, और इस तरह से इस डायमंड बिजनेस में 3,00,000 के अराउंड लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिला हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलो कि इस तरह की इंडस्ट्री में दूसरे देशों से जहां पर हीरो की डिपॉजिट बहुत अधिक है, जैसे रसिया, बोट्सवाना, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया जैसे देशों में हीरे काफ़ी पाए जाते हैं, और वहीं नमीबिया, एंग्लो कॉन्गो, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे कंट्रीज में हीरे थोड़े कम पाए जाते हैं, और इन्हीं सब देशों से इंडिया में रफ डायमंड सप्लाई की जाती है। और यहाँ पर इंडिया में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, भावनगर और गुजरात की और भी दूसरे छोटे शहरों में इन डायमंड को अलग अलग स्टेप्स में कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग करके फिर इन्हें डिमांडिंग कंट्रीज में री एक्सपोर्ट किया जाता है। और आज के डेट में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि बेल्जियम, इजराइल, चाइना, न्यूयॉर्क, रसिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में भी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग की जाती है। ध्यान देंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने और बहुत ही अधिक नंबर्स ऑफ फैक्ट होने की वजह से इसे दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला पार्ट आपने देख लिया और इसका दूसरा पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर में आने वाला है, जिसमें आप भावनगर की और भी मज़ेदार फैक्ट्स से रूबरू होंगे, जैसे कि भावनगर में पक्षियों की इतनी ज़्यादा संख्या क्यों है,
भावनगर की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर है। भावनगर को गुजरात का इंडस्ट्रियल सिटी क्यों कहा जाता है और भावनगर का हिमालय मॉल गुजरात में इतना ज्यादा खास क्यों है। ऐसे ही और भी मजेदार फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो की दूसरी पार्ट्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।